in continuation to sir sorry ye sab log acha in continuation to yesterday's lecture hum logon ne kal hum aap logo different aspects par hai jo ki hemoglobin pathology se ya hemoglobin pathology se theek hai उसमें हमने उस हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर जो जो मसले हुए थे उसके वजह से उनको डिस्कस किया। टुडे वी आर गोइंग टू गेट इनटू डिटेल स्ट्रक्चर फर्स्ट हीमोग्लोबिन वी गोना सी हाउ दिस हीमोग्लोबिन इज मेड एंड देयर आर प्रॉब्लम्स दैट अगर बिफोर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन जब हीम बनता है और वो हीम ने अपने ब्लड में आना है और वो ब्लड फॉर्म में अपना फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही है उससे पहले जब ये प्रोटीन मैच्योर स्ट्रक्चर एक ग्लोबिन बनता होता है तो वो उस सारी चीज़ में बेटा अब आपको स्क्रीन आ रही होगी अभी आएगी स्क्रीन आगे अच्छा नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हीम सिंथेसिस एक्शन ठीक है हीम सिंथेसिस के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन काइंड ऑफ द हीम प्रोटीन जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए has an importance. Next, there are types of hemoglobin or genes which are being synthesized, but not important human. All right. Considering that fact, hum ab heme synthesis ke baare mein going to talk about heme synthesis. The next slide that I'm going to talk about is this one. This is a very dry structure. कोशिश करूंगा इसको किसी तरीके से आप सामने रख पहली चीज आप यहाँ पे ये नोट करेंगे मेरे माउस को देखें ये इज कंपोज्ड ऑफ फोर इंडिपेंडेंट रिंग्स ठीक है जॉइंड टुगेदर एंड दीज फोर इंडिपेंडेंट रिंग्स ऑल ऑफ देम जहाँ पे एन 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 लिखा हुआ है एक तो ये साइडों से साथ जोड़े और एक मिडिल से साथ जोड़े जो कि आयरन यानी फेरस की वजह से जोड़े तो जब ये जो कंप्लीट फॉर्म है ये जब एक्वायर हो जाता है तो दैट इज अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ हीम इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि आपने नीड टू पे कंसंट्रेशन ऑन इज दैट दैट वी नीड फोर रिंग्स फर्स्ट Then we need their interlinked connections, and then we need their interlinked connection of ferrous. Along with that, the next thing that we have to take in our consideration is their R chains or their side chains. Yeah. So one starting from this side chain, inter and intra. And four circular rings. Okay. These four parameters of heme are those that we are going to discuss and talk about. Starting from the start, ये जो एक ring है, इसको अगर हम discuss करेंगे, तो इनको porphyrins कहते हैं। अब porphyrins और cycle के long forms are linkage of pyrose rings through the methane या methyl bridges ठीक है तो this is the pyrrole या pyrrole these are one single unit ये एक unit है जो कि nitrous compound exist करता है so it's a protein in nature और एक आप ये समझे कि एक रिंग स्ट्रक्चर और एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन का वो उसको कहते हैं पेरोल और जो चार पेरोल्स मिलते हैं आपस में तो वो एक हीमोग्लोबिन की तरफ जाते हैं द नेक्स्ट थिंग दीज फोर ऑफ देम
let's talk about the roles. So one payroll, this is the second payroll, this is the third payroll, this is the fourth payroll. Each of these payrolls, they join with a linkage of methyl to say methanyl bridges get there. Because methyl hai, into name methanyl bridges get there. So pehla point jo aapke liye score matlab mark scoring hai, that is methyl bridge. पेरोल आपको एक सर्कुलर प्रोटीन कंपाउंड है वो आपको बता दिया. देन द नेक्स्ट थिंग, इनके साथ साइड चेन्स लगी होती है. अब आप इन साइड चेन्स को यहां से क्लॉकवाइज पढ़ें, एपी 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 एंड एपी, ठीक है. दिस ए स्टैंड फॉर एसिटाइल ग्रुप, बी स्टैंड फॉर प्रोपेनॉइल ग्रुप, ठीक है. ये जब सारे ये पेरोल्स आपस में मिलते हैं, इन सब के पास इंडिपेंडेंटली ये आइडेंटिकल साइड चेन्स हैं और ये इसी एपी 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 फॉर्म के अंदर रेंज्ड है. ऑलराइट, दैट्स सो फार क्लियर. ठीक हो गया. We're going to do the next slide. Okay. These payrolls in a normal human being, in a normal being, they have a strange kind of arrangement. AP, 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 and the last one is PA. ठीक है? ये एक combination. अब मजे की बात ये है, क्योंकि चार ग्रुप्स हैं, कि दे कैन प्रेजेंट देमसेल्फ इन फोर डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है. ये जो फॉर्म है जिसके अंदर एपी एपी और आखिर में ये आ जाता है, इसको कहते हैं प्रो प्रो फोरेन नाइन. प्रोट्रोफिन नाइन इज अ फॉर्म ऑफ दिस रिंग और इस स्ट्रक्चर का, जो कि हमारे कंसर्न का है, ह्यूमन बॉडी कंसर्न का है. अगर हमने बाकी को भी देखा, सो लेट्स प्रोट्रोफिन नाइन के अलावा क्या क्या हमारी प्रेजेंटेशंस है ये देखें. हमारे पास पॉसिबल प्रेजेंटेशंस क्या क्या हो सकती है, ऑल एपीस, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन नंबर वन. प्रेजेंटेशन नंबर टू क्या है, एपी PA, AP, and PA. Presentation number three is all 3AP, and the next one is PA. And the next presentation number four is AP, PA, PA, and AP. अब आपने से किसी एक जेन ये भी बात आई कि यार इससे ज़्यादा की भी presentations हो सकती हैं? Yes, हो सकती हैं, but existing यही चार हैं. और इन चारों को study different hemoglobins of लिविंग स्पीशीज के अंदर असेस करने के बाद हमें ये पता चला था कि जो कॉम्बिनेशन थ्री है, दिस इज स्पेसिफिक फॉर ह्यूमन बींग्स. अब द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एपी डिटरमाइंस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस लाइक सॉल्युबिलिटी, क्लासिफिकेशन इनटू 1 टू 4 एंड टाइप 3 ऑफ दीस प्रेफरेंस फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन एंड हैज हैव एन एसिमेट्रिक ring on the D ring. अच्छा, D ring किसे कहा हमने? इस diagram को दोबारा से ऊपर इसी के ऊपर आ जाएं. ये A ring है, ये B है, ये C है और ये D है. जो D के अंदर presentation, only one ring की presentation different होगी, उससे proferent या proferent type 3 कहते हैं, and that is specific for human beings. ठीक हो गया? अच्छा, let's go. एक हमने ओवरव्यू लिया स्ट्रक्चर का, अब इस स्ट्रक्चर को हमने बनाना भी है. वैसे कहाँ पर बनेगा? लिवर. द रेट ऑफ हीम सिंथेसिस इज हाईली वेरिएबल इन द लिवर, ठीक है ना. इट इज वन ऑफ द साइट्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रिस्पोंडिंग टू द ऑल्टरेशन इन द सेलुलर हीम पूल कॉजिंग द फ्लक्चुएशन एंड डिमांड ऑफ द हीम प्रोटीन, ठीक है. लिवर एक आपका ऐसा ऑर्गन है कि खुदा ना खास्ता फॉर सम रीजन यू लूज ब्लड, ठीक है. और जो
कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और उनको ये होता है कि हमारा फूड की कमी नहीं होती और वो ज्यादा ज्यादा फूड खा लेते हैं एंड दे गो इन टू द ओवरलोड, यही लिवर के बाद में उनको डिग्रेड नहीं करते या अपना पेट बिल्कुल खत्म कर देते। तो लिवर इज जिसे कहें कि एक एमरजेंसी सोल्जर, कि व्हेनेवर इट इज नीडेड टू वर्क वो आएगा और वो ढेर सारे हीमोग्लोबिन बना देगा और आपकी डिमांड को पूरा करेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमें पता है कि एवरी 21 डेज के बाद हमारा हीमोग्लोबिन चेंज हो जाता है। तो वो जो एवरी 21 डे की वो जो लिवर वर्क कर रहा है, आ रहा है, काम कर रहा है, आ रहा है, काम कर रहा है, रोजाना की एक सेट प्रोडक्शन कर रहा है, दैट इज अ जॉब गिवन टू द एरिथ्रोसाइट्स इन द बोन मैरो। They synthesize erythrocyte cells, it's relatively constant, matched to the rate of hemoglobin. The initial reaction and the last two steps in the formation of proteins in a mitochondria and the three intermediate steps of biosynthesis in the cytosol. अच्छा जी, अब इन सारे मतलब आपके erythropoietins के अंदर भी और आपके hepatocytes के अंदर आपके mitochondria होते हैं और उनका cytosol होता है। एक सेल के अंदर सेलुलर लेवल पर बात चली गई है, एक एरिथ्रोसाइट के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोसोल होता है, हेपेटोसाइट के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है और साइटोसोल होता है। तो अब कह रहा है कि इसमें से कुछ स्टेप्स उस हेपेटोसाइट या एरिथ्रोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे और कुछ स्टेप्स उसके साइटोसोल में। लेट्स गो एंड सी द डिटेल्स ऑफ द स्टेप्स। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप जहां से आपका एरिथ्रोसाइट बनना शुरू होता है, ठीक है, साथ मिलते हैं और डेल्टा अमाइनो अमाइनो लिबोनिलिक एसिड या एला अमाइनो लिबोनिलिक एसिड या एला, डेल्टा अमाइनो लिबोनिलिक एसिड या एला प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आंसर में मैं कि कॉल इट एला। वेरी दिस सिंपल रिएक्शन हैज एन एंजाइम दैट एक्चुअली कन्वर्ट्स और हेल्प्स दिस प्रोसेस। ठीक है, एला सिंथेसिस 1 या इसको एला सिंथेस कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसको LS1 is the name of the enzyme. ठीक हो गया, it's in a mitochondrial enzyme. So this first step happens in mitochondria, ठीक है, either hepatocyte or erythrocyte. This enzyme, like all the transferases, यानी nitrogen transferases, amino transferases जो मैंने आपको पढ़ाया था, has a dependent vitamin B, that is PLB, pyridoxal phosphate. And this pyridoxal phosphate ne is particular combination of two compound ke andar kya karta hai, isne ek to decarboxylation kar diya, carbon dioxide nikal diya, aur dusra jab yaad hai maine aap logo ko bilirubin synthesis padhai thi तो मैंने आपको कोए एक्सट्रैक्शन का भी बताया था। ठीक है, तो दिस LS1 विद द हेल्प ऑफ PLB पैराडॉक्सल फॉस्फेट एक तो रिड्यूस करता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है और कोए को निकाल देता है। ठीक है, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ this LS, this LS1 and this is the enzyme LS2. LS1 in all tissues in this form, ठीक है ना, ये एक ऐसा transferase enzyme है जो कि हर tissue में पाया जाता है, and जो LS2 है that is specific for erythrocytes. अब erythrocyte का जो specific enzyme है उसको ज़हन में रखें कि आपके पास ये question आ सकता है कि what type of LS is present in erythrocyte or erythrocyte specific LS clone cell. ठीक हो गया, one thing. Second thing, आप इसके आ जाते हैं। अच्छा, ये पहला step आया। Let's go to the next step onward. ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप ऑनवर्ड क्या होंगे, लेट मी टॉक अबाउट दोस स्टेप्स. पहला स्टेप आपको मिला ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोए, उसमें से कोए निकल गया और साथ साथ आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और आपके पास एला बन गया. ठीक है, एला बना अमाइनो वैलेनिक एसिड, डेल्टा अमाइनो वैलेनिक एसिड. तो ये जो पिंक वाला स्टेप है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हो. अब नीचे आ जाए, अब यहाँ पे 1, 2, और 3 नीचे भी 3 पिंक स्टेप्स हैं. सो दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया. जब डेल्टा अमाइनो वैलेनिक एसिड बन जाता है फाइनली इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दैट गोज इनटू साइटोसोल. अच्छा, इधर रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है? यही एलिस 1 या एलिस 2 की जो फंक्शनैलिटी है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एला या अमाइनो वैलेनिक एसिड इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप. और ये इसके साथ रेगुलेट होता है, इट इज रेगुलेटेड बाय द क्वांटिटी ऑफ हीम. इस स्लाइड पर वापस आए, जब यू आर फुल ऑफ हीमोग्लोबिन यू डू नॉट नीड एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो आपका क्या होता है कि आपकी हीम सिंथेसिस रुक जाती. इधर एक चीज और मेंशन नहीं हुई हुई, मैं वो भी मेंशन कर देता हूँ, लेड पॉइजनिंग. Question definitely comes, lead poisoning also inhibit this step. Theek ho gaya? So the two inhibitors of this step, one heme itself, that is autoregulation, one negative feedback, and there is a toxicity related to this step, that is lead toxicity. Achha ji, the next step what happens is, let me go to the Let's go for it. अब आपको पूरी हीम की प्रोडक्शन में बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने बाकी सारी अंदर से स्लाइडें काट दी ताकि आपका टाइम ज़्यादा जाए ना हो एंड यू कैन गेट इस एरोस के इधर की जो दरम्यान में पार्टीशन है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन इट्स माइटोकॉन्ड्रिया, ऑन द राइट साइड इट्स साइटोसोल. अब देर आर टोटल 8 स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. तो पहला स्टेप क्या है, व्हेन ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोए दे जॉइन टुगेदर दे फॉर्म डेल्टा अमाइनो वैलेनिक एसिड. ठीक है, दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रियल स्टेप. इसको इनहिबिट क्या कर रहा है, यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना हीम पुट्स और दूसरा लेड पॉइजनिंग. नाउ दिस इज गोइंग टू साइटोसोल. अब ये साइटोसोल में अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को जब मिलाया है तो ये पायरोल बन गया, पहला रिंग बना आपका. ठीक है, ऑलराइट, समझ आई आपको? उसके बाद जब पायरोल आपका बन गया और वो आपका साइटोसोल में आ गया, अब आप देखें नेक्स्ट स्टेप क्या है. इस पायरोल को जो इनिशियल फॉर्म में है इसे कहेंगे और ये सिंथेसाइज होगा और इसके ऊपर आके जो दूसरा एंजाइम काम करेगा दैट इज डेल्टा अमाइनो वैलेनिक एसिड डिहाइड्रेटेज. इसके अंदर से हाइड्रोजन निकल जाएगा. जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये जो आपका लीनियर स्ट्रक्चर था ये आपका सर्कुलर स्ट्रक्चर बना. एक ही स्ट्रक्चर में आप ये देख रहे हैं, दोबारा से बात को रिपीट क्या कर रहा हूँ, डेल्टा अमाइनो वैलेनिक एसिड ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को वजह से बना. जब ये बनता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है. माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में आने के बाद सिर्फ क्या फर्क पड़ता है, एक स्टेप का फर्क पड़ता है कि ये सर्कुलर हो जाता है. सर्कुलर होने के लिए इसका जो इसके ऊपर एंजाइम जो दूसरा ऐड कर रहा था वो डेल्टा अमाइनो वैलेनिक एसिड डिहाइड्रेटेज करता है और इसका नाम अब बदल के प्रोफोबिलिनोजेन
प्रोफोबिलिनोजिन, प्रोफोबिलिनोजिन सॉरी प्रोफोबिलिनोजिन इसका दूसरा नाम बदल गया। अब इसके और इसके दरमियान में स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं आया स्ट्रक्चर वन और स्ट्रक्चर टू में, अदर देन साइक्लाइजेशन। अब जो नेक्स्ट स्टेप आए स्टेप थ्री आया, स्टेप थ्री इज बीइंग जो प्रोफोबिलिनोजिन के ऊपर आके एक्ट करेगा जो एंजाइम आएगा वो है प्रोफोबिलिनोजिन डीएमिनेस, ठीक है। इसके अंदर से ये जो नाइट्रोजन है ये निकालना है, इसकी डीएमिनेशन करनी है। तो जब प्रोफोबिलिनोजिन डीएमिनेट होगा तो ये एक पायरोल का फॉर्म बनेगा जिसमें से ए बी सी और डी डिफरेंट फॉर्म्स के आपके पास पायरोल्स आ गए, ठीक है। एंड स्टेप फोर क्या है, मिथाइलेशन। मैंने आपको बताया था कि जब आप पहला स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जब मैंने आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पहला दिखाया था तो उसमें मैंने बताया था कि मिथाइलेशन होती है, यानी चारों रिंग मिथाइल ब्रिजेस के साथ एक दूसरे के साथ मैच होते हैं, ठीक है। तो ये जो मिथाइलेशन है, ठीक है, वो आपकी जो एंजाइम उसको लीड कर रहा है वो आपका ऑब्वियसली हाइड्रोक्सी मिथाइल भी मिथाइल विलेन इज दी स्ट्रक्चर जो कि डीएमिनेशन के बाद बना, ठीक है। यानी स्टेप थ्री या थ्री स्ट्रक्चर जो आपका बना है वो प्रोफोबिलिनोजेन डीएमिनेस के बाद जो प्रोफोबिलिनोजेन के ऊपर जाके एड करता है उसका नाइट्रोजन निकालता है और जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है वो आपका या तीसरा जो मेन स्ट्रक्चर आपका बनता है दिस इज स्ट्रक्चर थ्री मेक श्योर, ठीक है, उसको हाइड्रोक्सी मिथाइल विलेन कहते हैं। अब इसके ऊपर इस स्ट्रक्चर के ऊपर मिथाइलेशन कंटिन्यू होनी है और उसके ऊपर जो आगे एंजाइम काम करेगा वो दैट विल लीड फॉर्म यूरोप्रोफोबिलिनोजेन या यूरोप्रोफोबिलिनोजेन 3 कोसिंथेस, कोसिंथेस ये कोसिंथेस ये अलग एक वर्ड नहीं है, कोसिंथेस ठीक है, यूरोप्रोफोबिलिनोजेन 3 कोसिंथेस। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है, यूरो इनके दरमियान में सबके दरमियान देखो यहाँ पे एक दो तीन तीन बॉन्ड्स बने हुए हैं, एक रह गया। अब ये एक दो तीन बॉन्ड्स बनाएगा और इन सब की जो साइड चेंज है यहाँ पे देखो एसिटाइल को है, एसिटाइल को है और आपका प्रोपेनाइल और इधर एसिटाइल को है इधर प्रोपेनाइल, इन सब को देखो एक ऑर्डर में अरेंज करेगा, एसिटाइल को ए ए पी ए पी ए पी एंड पी ए बिकॉज इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे इसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर दी। सो ये हमारे लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारा यूरोप्रोफोबिलिनोजेन 3 को सिंथेज है ही विल डू दिस थिंग एंड ही विल गिव अस द फोर्थ स्ट्रक्चर जिसे यूरोप्रोफोबिलिनोजेन 3 कहते हैं, 3 इसलिए कि थर्ड स्ट्रक्चर और ये हमारे लिए काम कर रहा है। अच्छा यूरोप्रोफोबिलिनोजेन 3 के ऊपर आगे एक और एंजाइम एक्ट करता है, दीज आर व्हाट हैपनिंग इन द साइटोसोल लेयर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर 2 से लेके स्ट्रक्चर 5 तक आपका साइटोसोल लेयर। अब यूरोप्रोफोबिलिनोजेन 3 बेसिकली आपका तकरीबन ही यहाँ पे तैयार हो चुका है, इसके अंदर डीएमिनेशन होती है, इसका बाकी का भी जो दोबारा से अंदर जो रह गए हुए नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं सॉरी डीकार्बोक्सिलेशन होती है इसके अंदर, इसके जो एडेड ये जो साइड चेंज हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं इनको डीकार्बोक्सिलेट करके साइड चेंज को उतार दिया जाता है। देखो अब एक एसिटाइल को ए और ये पी ए बॉन्ड इधर रह गया और एक एसिटाइल को ए और एक प्रोपाइल को ए यहाँ पे रह गया, बस बाकी सब कार्बन कंटेनिंग साइड चेंज को उतार दिया गया, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन। तो स्टेप 5 के ऊपर जो ये चेंजेस आए हैं तो ये प्रोफोबिलिनोजेन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम का नाम भी यही है डीकार्बोक्सिलेज अब इस पे एक्ट करेगा तो ये कार्बोप्रोफोबिलिनोजेन 3 बना दे। कार्बोप्रोफोबिलिनोजेन 3 इज अ स्ट्रक्चर जिसकी साइड चेंज उतर चुकी है, जिसके अंदर चार पेरोल्स रेगुलर ए बी सी डी पोजीशन के अंदर अरेंज हो चुके हैं और अब ये एक तकरीबन हीम की शक्ल में आ चुका है, बस अब इसकी मैच्योरेशन होनी। सो कार्बोप्रोफोबिलिनोजेन 3 यहां से चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, अब यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ये पहुंचा कार्बोप्रोफोबिलिनोजेन 3 अब लुक एट व्हाट हैपेंस हियर अगेन, ठीक है। आपने
देखा यहाँ से जब स्ट्रक्चर वन पे आ जाए अमाइनो ग्लूटामिक एसिड जब दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में गया तो उसके ऊपर जो एंजाइम ने एक्ट किया वो डिहाइड्रेटेज था, यानी उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम की और उसको साइक्लाइजेशन किया। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में रिवर्स किया कार्बोकोट्रांजिशन थ्री, अब इसकी पहले डिहाइड्रेशन हुई है, अब डीकार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन हुई, दो स्टेप्स एट द सेम टाइम, ठीक है। और इसकी वजह से स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो आप देखोगे कि वो जो ये जो एसिटाइल को ए ग्रुप था और ये प्रोपाइल को ए है, जो दो एक्स्ट्रा साइड चेन्स थे ये भी एट सेम टाइम इधर से डीकार्बोक्सिलेट होके सी ओ टू निकल गया और इधर से आपका एच टू ओ और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया एंड डीकार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन एट द सेम टाइम हो गया, ठीक है। दिस स्टेप इज बीइंग सपोर्टेड by an enzyme that is called carboxylation oxidase oxidation कर रहा हूँ, ठीक है। अब decarboxylation भी कह रहा हूँ मगर वो नाम मेरी मर्जी से नहीं रखा, कर सकती हूँ, ठीक है। Still there is something missing now, there is something missing. What is missing? The missing thing is कि हमारी side chains बन गई, R chains हमारी regularize हो, हमारे मिथाइल ब्रिजेस बन गए, मिथेन ब्रिजेस सारे बन गए, हमारे ए बी सी डी अरेंजमेंट्स भी हो गए। स्टिल समथिंग इज मिसिंग, देयर इज अ प्रॉब्लम येट ओवर हियर। अब व्हाट इज द प्रॉब्लम येट ओवर हियर, मैं ज़ूम करता हूँ थोड़ा सा, कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊं। लुक एट हियर, आयरन को सॉरी स्लाइड चेंज हो गया, आयरन को बाइंड करने के लिए व्हाट डज इट नीड्स, सॉरी व्हाट इज नीडेड द मोस्ट फॉर बाइंडिंग ऑफ द आयरन, चार्ज प्लेस, ये देखो जब यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ स्ट्रक्चर हो गई है, यहाँ पे नाइट्रोजन अवेलेबल है, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अवेलेबल है, फिर बी में नाइट्रोजन अवेलेबल है और ए और सी के अंदर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अवेलेबल है, बट स्टिल इसके अंदर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आपके रेगुलराइज नहीं हुए हैं। मैं इस डायग्राम को और जूम नहीं कर सकता, वरना मैं आपको बताता कि इसके सर्कुलर डबल बॉन्ड्स रेगुलराइज नहीं हुए। जब इसकी दोबारा से ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो यहाँ से हाइड्रोजन फिर से स्ट्रक्चर में निकलता है और ये जो चारों नाइट्रोजन है ये अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इंटरमीडिएट स्टेप है, इधर एक गलती है इस डायग्राम में, आप इसको देखो जरा गौर से, ये जो हाइड्रोजन है बेसिकली क्या चाहिए, यहाँ पे सिर्फ राइट, ये एक ऑक्सीडेशन का स्टेप मैंने दिखाया, दो ऑक्सीडेशन के स्टेप्स होते हैं, ये जो NH था ये भी N हो जाता है, ये भी NH जो था ये भी N हो जाता है, सो वी हैव फोर चार्ज नाइट्रोजन इन देयर होल्स ऑल फोर ऑफ देम, ठीक है। बेटा यहाँ तक समझ आ रही है, मैंने ये लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेप क्या बताया, मैं आपको चार्ट पे काम करके बताऊंगा।
data. Give me some feedback. Did you understand that? Yes, sir. Okay. The last oxidation steps will create four available nitrogens for the formation of heme. For this structure, protoporphyrin 9 कह दिया जाए. अब इसके अंदर हमने ऐड करना है आयरन. जब हम इसके अंदर आयरन ऐड करते हैं तो इस स्टेप को हम कहते हैं जिलेशन. जिलेशन जब हम कर देते हैं यानी आयरन जिलेशन का स्टेप होता है. दिस इज बीइंग लेड और डेल्ट बाय फेनोजिलेटेज एंजाइम, द ईड्स एंजाइम ऑफ हीम प्रोडक्शन दैट इनकॉर्पोरेट्स फेरस इन द हीमोग्लोबिन. तो इस फाइनल स्टेप को देखते हुए अब आपको पता चलता है कि आपकी आयरन की डेफिशिएंसी क्या करती है, ठीक है, और आपकी फोलेट की डेफिशिएंसी क्या करती है, ठीक है. अगर आपको दो टाइप के आपने एनीमियाज पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं आपको पढ़ाऊंगा. एक होता है माइक्रोसिटेट होता है माइक्रोसिट, ठीक है. तो अब आप खुद से बताओ कि अगर ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, ठीक है, तो उसमें माइक्रोसिटिक होगा या माइक्रोसिटिक होगा. एनी थॉट्स, सोचो अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जैसे आप प्रेग्नेशियस एनीमिया भी कहते हैं, ठीक है, वुड दैट बी माइक्रोसिटिक और माइक्रोसिटिक, ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा जिसमें आयरन नहीं होगा या उसमें स्ट्रक्चर छोटा हो जाएगा. मैक्रो, ठीक है. ऑब्वियसली जब आयरन आपका अंदर आएगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है तो ये चारों स्ट्रक्चर्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, चारों फेरोज को अपनी तरफ खींचता है. तो स्ट्रक्चर वो पता नहीं इवन स्मॉलर इन साइज और स्मॉल रेगुलर जो उसका साइज है. जब आयरन डेफिशिएंसी होगी तो आपका ये जो प्रोटोपोर्फिरिन 9 है इट्स ऑलमोस्ट अ कंप्लीट हीमोग्लोबिन बट इट कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन. सो एनीमिया तो हो जाएगा, ठीक है, मगर जो एनीमिया होगा उसमें सेल्स जो आपको नजर आएंगे माइक्रोस्कोप में दे विल बी ऑफ अ ग्रेटर सर्कमफेरेंस और ऑफ अ लार्जर साइज देन अ रेगुलर वन. Similarly, जब आपके पास फोलेट डेफिशिएंसी होगी, यानी विटामिन बी डेफिशिएंसी होगी, जो कि एलपीएल लेवल पर होगी, तो स्ट्रक्चर छोटा बनेगा, ठीक है. स्ट्रक्चर छोटा बनने की वजह यह है कि जब आपका एसिटाइल कोई नहीं निकाल सकता, वो कोई बाहर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो क्रॉस लिंकेजेस ऑफ साइड चेन्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपका स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स हो जाता है और साइज में छोटा होता है. तो दैट इज कॉल्ड माइक्रोसिटिक एनीमिया एंड दैट इज कॉल्ड मैक्रोसिटिक एनीमिया. ठीक हो गया. सो कमिंग बैक टू हीम सिंथेसिस वंस अगेन, स्टेप वन ग्लाइसिन एंड एसिटाइल कोए मिले, दे फॉर्म आला. आला वाज लेड बाय एलिस 1 एंड 2. एलिस 2 वाज एरिथ्रोपोएटिक स्पेसिफिक, एलिस 1 एंड 2 वर इनहिबिटेड बाय ऑटो रेगुलेशन ऑफ हीम और नेगेटिव फीडबैक ऑफ हीम और बाय लेड टॉक्सिसिटी. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आला द नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है वो आता है हमारे पास साइटोसोलिक, दैट इज पोर्फोग्लिनोजेन होता है व्हिच इज अ स्ट्रक्चर टू. पोर्फोग्लिनोजेन और आला के अंदर फर्क क्या है कि पोर्फोग्लिनोजेन डिहाइड्रेशन के बाद एक सिट्रस वो बनता है, स्ट्रक्चर बनता है.
ओफो बेलर्जन के बाद स्ट्रक्चर थ्री हमारा बनता है हाइड्रोक्सी मिथाइल प्लेन, दैट इज फॉर्मेशन। पहले तो बात यह है कि इसमें से नाइट्रोजन निकलते हैं थोड़े से, और दूसरा इनके दरमियान में मिथाइल बॉन्डिंग होती है। जो आपका पांचवा स्ट्रक्चर उसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर, तीसरे स्ट्रक्चर का फोर्थ स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोग्रिफेनोजेन 3। इसके अंदर जो स्पेसिफिक बात है कि सारे मिथाइल ब्रिजेस बन चुके होते हैं, मिथाइल ब्रिजेस सारे फोर के फोर बन चुके होते हैं, और आपके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आपके स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज द फिफ्थ स्ट्रक्चर और द फिफ्थ स्टेप ऑफ इट, दैट इज प्रोटोप्रोफेनोजेन 3। दैट इज इसके अंदर फर्क क्या है यूरोप्रोफेनोजेन और इसके अंदर फर्क क्या है कि इसके अंदर से साइड चेन्स आदि उतर जाती हैं। फिर प्रोफेनोजेन 3 वहां से उठता है और वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, इसका नाम बदल के प्रोटोप्रोफेनोजेन यानी प्रो आ जाता है, यानी अभी से प्रो बनना जो प्रोटोप्रोफेनोजेन 3 बन जाता है। प्रो से ये प्रोटोप्रोफेनोजेन 3 बन जाता है, 9 बन जाता है। और इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है मजीद डीकार्बोक्सिलेशन, यानी मजीद इसकी साइड चेन्स कट जाती हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, जिसके अंदर से सारे नाइट्रोजन जो कि इनर साइड पे लाए गए। द नेक्स्ट स्टेप जो इसके बाद या 8th स्टेप होता है दैट फॉर्म्स द पर्टिकुलर हीम, दैट इज फेरोचेलेटेज या चेलेशन या आयरन चेलेशन होती है इसकी। आयरन जनरेशन होने के साथ साथ इस स्ट्रक्चर का रेगुलर साइज भी अटेन होता है। सो बेटा दीज आर द स्टेप्स ऑफ द आयरन सिंथेसिस। पर इस तरह आपका हीम बना, दो जगहों में बना, साइटोसोल में बना, माइटोकॉन्ड्रिया में बना, ठीक है, दो टिश्यूज में बना, लिवर में बना और आपके बोन मैरो में, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे लेक्चर का नाम था प्रोफेशियास। अब लेक्चर अब शुरू हो, लेक्चर कैसे अब शुरू हो रहा है कि जब हमने हीम बनाना है तो हीम में हमें पता चला कि हमने हीम कैसे बनाया, तो अब हीम के बनने में जो जो मसले आए उनको हमने प्रोफेशियास के साथ लेबल किया, ठीक है। द वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग अबाउट बीडीएस हियर इज कि आपको पूरे के पूरे प्रोफेशियास the medical presentation, the diagnosis here is not included in your text, but the name and the small introduction of the failures is included. So I will not consume your brains more than what it is required at this moment. So I'll shorten the whole thing and I will go to the failures. A rare inherited or occasionally acquired defect of heme synthesis resulting in accumulation and increased excretion of perforins or perforins precursor. Decreased synthesis of heme, so anemia over. Porphyrias refer to a group of disorders that result in buildup of natural chemical and produce perforin in your body. Perforins are essential for the function of a hemoglobin. High levels of perforins can cause various significant problems, severity of the condition and the type of the accumulation of perforin. Porphyrias cannot be cured. Make sure these are not cured. Your lifestyle changes to avoid triggering symptoms may help to manage treatment for symptoms dependent types of porphyrias. Right? Let's go down the track. Okay. Sure. Step by step मैं आपको पहले प्रोफेरियस पढ़ाता हूँ। सबसे पहला आपका प्रोफेरिया है डूस प्रोफेरिया, या इसको कबू प्रोफेरिया भी कहते हैं, नॉर्मली आजकल डॉक्टर्स डूस कहते हैं डूस प्रोफेरिया, ठीक है। इसके अंदर डेफिशिएंसी क्या होती है, आला हाइड्रेटेज की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, और इसकी रिजल्टेंट
ठीक है ना, इस प्रोडक्ट को जो करना है प्रोफेनोजेन एलस हाइड्रोहाइड्रेटेज और प्रोफेनोजेन सिंथेस की दोनों की डेफिशिएंसी आ जाती है। अमाइनो एमिनोनिक एसिड एक्युमुलेट्स इन द यूरिन। अब ये मैच्योर हो नहीं रहा, माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा से ज्यादा बनने जा रहा है, ये प्रोफेनोजेन में नहीं कन्वर्ट हो रहा, ठीक है, तो ये एक्सेसिवली रिलीज होगा यूरिन के अंदर। यूरिन डार्कन्स ऑन एक्सपोजर टू लाइट एंड एयर। पेशेंट ये कहता है नॉर्मली जब डॉक्टर के पास कंप्लेन लेकर आता है अपने एनीमिया के साथ साथ, क्योंकि ये लेटर स्टेजेस में डेवलप होता है, वो ये कहता है सर मैं जिस वक्त यूरिनेशन टाइम होता हूँ तो मेरा यूरिन नॉर्मल कलर का मेरी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा होता है, और वो जब प्रोमोट में इकट्ठा होता है तो वो बिल्कुल काला डार्क कलर में हो जाता है। मैं तो प्रोमोट में भी जाकर मैंने सैंपल भी किया गया तो वो बिल्कुल काला यूरिन हो जाता है, आता मेरे जिसम से बिल्कुल रेगुलर कलर का, मगर जैसे ही मैं बॉटल में या कंटेनर में उसको कंटेन करता हूँ तो काला होता है। पेशेंट्स आर नॉट फोटो सेंसिटिव, इनको लाइट से खुद कुछ नहीं हो रहा होता, इनको कोई और सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, और ये एक न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर या कंडीशन क्रिएट कर देता है। इन पेशेंट्स को एज सच तो कुछ ज्यादा खास बीमारी होती नहीं है, मगर obviously इस abnormality की वजह से they have developed a lot of, जिसे कहते हैं कि यार बहमी हो जाते हैं, neuropsychiatric condition हो जाती है, तो इनको पता नहीं किस बीमारी में पड़े, ठीक है, पर it is a matter, मगर इनको anemia चल रहा होता है, ठीक है। The next porphyria, acute intermittent porphyria, deficiency of hydroxymethyl band methylbilane synthase, ये जो इसने hydroxymethylbilane ये भी 3-step का enzyme और hydroxy और orthobilanogen deaminase, ये दो enzymes की combination में ये acute intermittent porphyria भी आता है। ANA and porphyrogens accumulate in urine। अब ये दोनों आगे नहीं जा रहे, ये भी semi-structures हैं, proteins हैं, इनको बॉडी ने एक्सक्रीट करना है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है, यूरिन में जाने निकल जा, यूरिन डार्कन्स एज इट वाज ड्राई, अगेन सिम्टम्स वही हैं, ठीक है, पेशेंट न्यूरो फोटोसेंसिटिव भी नहीं है, उससे उसको लाइट से कुछ नहीं हो रहा, मगर उसका यूरिन पे जैसे लाइट पड़ती है वो काला हो जाता है, और अगेन बहमी है, न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर। तीसरा कंजेनिटल एरिथ्रोपोएटिक पोर्फेरिया, ये पैदा होते ही होगा, यही बंदा बाद में पागल नहीं होगा, पहले ही उसको पता होगा मेरे साथ कोई मसला है। इसमें डेफिशिएंसी ऑफ यूरोपोर्फेनोजेन 3 सिंथेस है, इसके वजह से यूरोपोर्फेनोजेन 1 एंड कॉपरोपोर्फेनोजेन 1 एक्युमुलेट्स इन यूरिन, ठीक है, ऑब्वियसली इनके दोनों प्रोडक्ट्स ये हैं यूरोपोर्फेनोजेन और कॉपरोपोर्फेनोजेन 1, ये दोनों आगे सिंथेसाइज नहीं हो रहे या वो फॉरवर्ड नहीं हो रहे, तो ये दोनों यूरिन में इकट्ठे हो जाते हैं। अब इन पेशेंट्स को एक्चुअली क्या होता है कि जब ये लाइट में चलते हैं तो सनलाइट की लगने की वजह से इनको रैशेस बन जाते हैं, ब्लिस्टर्स और रैशेस हो जाते हैं, दे कैन नॉट सस्टेन इनटू सनलाइट। अगर किसी ने अपनी गाड़ी के शीशे टिंट करवाने और काले करवाने हैं तो वो मेरे जैसा कि किसी डॉक्टर पे आए और वो अपना किसी एक प्रोफेरिया का लेटर बनवाए और वो अपनी गाड़ी में रखे, क्योंकि मेरे सनलाइट एलर्जी है, ठीक है, तो उसमें हम कोई एक प्रोफेरिया उसको बना दें। और सर लेट्स गो डाउन द ट्रैक्स, बाकी के सारे प्रोफेरिया में करते हैं, लैपटॉप हो गया, उसकी बैटरी एक वॉइस सेंसर चार्जर के लिए लगा दूँ, सॉरी सॉरी कमिंग बैक। लेट मी गिव यू अ डिटेल ऑफ प्रोफेरियास, ये स्लाइड मैंने फोटो में लेके आप देखिए कि आपको तेजी तेजी से करा दूँ, तो लेट्स गो इनटू दिस डिटेल। Thank you.
अच्छा जी, नेक्स्ट आपका जो एंजाइम डेफिशिएंट आता है वो आता है आपका यूरोप्रोफिलिन जो 3 वो सिंथेस। इस यूरोप्रोफिलिन वो सिंथेस में क्या प्रॉब्लम होता है, मिथाइल ब्रिजेस बनाते हैं। ये कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक प्रोफेग है, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो वो एनीमिया के साथ होता है, और इसके साथ क्या होता है जब इसकी एनीमिया के लिए इसकी टेस्टिंग होती है तो इसके यूरिन में यूरोप्रोफिलिन 1 एंड यूरोप्रोफिलिन 1 दोनों इकट्ठे हुए होते हैं, और पेशेंट ऑब्वियसली जैसे ही इसको फोटोलाइट यानी सनलाइट लगाते हैं अल्ट्रावायलेट साइज की लाइट्स करते हैं उसको इस बच्चे को बच जाता है। नेक्स्ट प्रोफेलिया जिसका नाम है वो है प्रोफेलिया क्यूटेनिया टाडा, क्यूटेनिया टाडा विच इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान एज वेल। आपको बहुत से जो ब्लड या हेमोलाइटिक डिसऑर्डर्स मिलते हैं वो इसकी वजह से बनते हैं। ये है यूरोप्रोफिलिन डीकार्बोक्सिलेज की वजह से होता है। डीकार्बोक्सिलेज या यूरोप्रोफिलिन डीकार्बोक्सिलेज का क्या काम था, साइड चेन्स उतारना, ठीक है। ये जब साइड चेन्स नहीं उतारता तो यूरोप्रोफिलिन अकॉम्युलेट्स इन द यूरिन एंड पेशेंट अगेन इज फोटो सेंसिटिव। तो ये जो प्रोफिलिन है ना ये यूरिन में भी इकट्ठे होते हैं, ऑब्वियसली यूरिन का कलर भी चेंज होता है, और ये ब्लड के अंदर भी फेर रहे होते हैं, तो ये इतने फोटो सेंसिटिव होते हैं कि जैसे इनके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट आता है तो ये दे बिकम एक्सेसिवली ऑक्सीडाइज्ड, सो दैट सो कि दे फॉर्म दे फॉर्म एरप्शन और उसके वजह से स्किन के ऊपर ब्लिसर्स बनते हैं, ठीक है। और यह ब्लिसर ना भी बने तो पेशेंट को सीवियर सेंसिटिविटी होती है, रैशेज होते हैं, रेडनेस होती है, जलन होती है, ठीक है। उसके बाद जो छठा प्रोफेलिया है वो है कॉर्टोप्रोफिलिन ऑक्सीडेज की वजह से होता है, इसको डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इसको कहते हैं हेरिडेटरी कॉर्टोप्रोफेलिया। कॉर्टोप्रोफोरिया, ठीक है, हेरिडेटरी कॉर्टोप्रोफोरिया, ठीक है। हेरिडेटरी कॉर्टोप्रोफोरिया जो होता है इसके अंदर नॉर्मली पेरेंट्स आर पॉजिटिव फॉर दिस और देन इसमें कॉर्टोप्रोफोरिन अकॉम्युलेट्स इन द यूरिन, इसी तरह यूरिन डार्क कलर का होता है, और पेशेंट्स आर फोटो सेंसिटिव। सेम सिम्टम्स एग्जिस्ट फॉर 5 and 6। सेवंथ जो आपका प्रोफेलिया है वो है प्रोटोप्रोफिलिन ऑक्सीडेज की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से, दैट प्रोड्यूसेस वेरीगेट प्रोफेलिया। जो वेरीगेट प्रोफेलिया है इसके अंदर ऑब्वियसली प्रोटोप्रोफिलिन एकॉम्युलेट हो जाता है यूरिन के अंदर और पेशेंट्स आर फोटो सेंसिटिव। सो 4, 5, 6, 7 and 8 तक सारे, 7 तक सारे फोटो सेंसिटिव हैं और यूरिन के अंदर डार्क यूरिन कलर्स। 1, 2, 3 यूरिन निकलने के बाद आपका कलर चेंज होता है। 4, 5, 6, 7 दे आर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम कंजेनिटली या हेरिडेटरी है, यानी ये पहले से ही बंदे के अंदर बीमारियां होती हैं, वो उसकी वजह से न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर बने जाते हैं। जो 1, 2, 3 है ये एक्वायर्ड है। उसके बाद जो 8 है फेरोजेनिटिस एंजाइम की डेफिशिएंसी, इसके अंदर प्रोटोप्रोफिलिन एक्युमुलेट्स इन एरिथ्रोसाइट्स, बोन मैरो एंड प्लाज्मा, एंड पेशेंट्स आर फोटो सेंसिटिव, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज सम टाइम्स ऑफ ब्लड कैंसर एज वेल, ठीक है, बट नॉट बिकॉज इट इज अ टिश्यू रिलेटेड थिंग, तो ये उस तरह का कैंसर नहीं, मगर ये कैंसर इसके लिए आगे फर्दर बहुत सी पैथोलॉजीज है, ठीक है। ये जो अकॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोफिन्स हैं जो कि आपके रेट्रोसाइट में, बोन मैरो में और प्लाज्मा में हो जाते हैं, ऐसे पेशेंट्स नॉर्मली ना सिर्फ एनीमिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, दे हैव अ प्रेजेंटेशन ऑफ पैथोलॉजिकल बोन फ्रैक्चर्स, दे हैव अ प्रेजेंटेशन ऑफ रीनल फेलियर एंड इरिवर्सिबल रीनल फेलियर, एंड दे हैव ऑब्वियसली splenic infarcts as well as splenic failures. They have bone marrow transplantation, and along with the continuous transfusions, a lot to do to make these guys alive is the deficiency of
फेरोचिलिटीज जिसे कहते हैं एरिथ्रोपोइटिक प्रोफीलिया. Because these are all the porphyrias that are concerned to an MBBS or a BDS student. And this is how a heme is being produced. This is how one of the toxicities, many of the pradhi, importance of iron pradhi, it may go major type of anemia, we may have to discuss earlier. There's a lot more in this topic. But unfortunately, आपके most outcome के साथ इसका कोई concern नहीं था, तो I'm not dragging you into that. But immensely interesting topic. This isn't for me. This isn't for now. Any question, please. Anything that you feel like you don't understand and. Any question that comes to your mind? Which सारे पार्टिसिपेंट्स मेरे वर्ष में सोए हैं, तो तुम्हें भी तैयारी में लगे होंगे. Anything but all you want to see. Yes, I feel like you guys have enough of knowledge for this all. So I leave you here. God bless you. See you in the next lecture and the further continuation of this. Allah Hafiz and Hafiz.